ज्ञापन दिया गया है? विगत दिवस सिवनी जिले के कुरई क्षेत्र में जो आदिवासी परिवार के ऊपर जो घटना घटी, हत्याएं हुई, मारा, इस दुखद घटना का हम जो है मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स परिवार घोर निंदा करता है। साथ ही जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार को हमने शासन से जो है 50-50 लाख रुपए के मुआवजा की मांग की है, और उस पीड़ित परिवार को जो दैनिक वेतन भोगी के रूप में जो शासकीय सेवा दी गई है, उसे दैनिक वेतन न देके उसे रेगुलर शासकीय सेवा की मांग, ऐसी मांगों को लेकर आज हमने यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष महोदय के नाम कलेक्टर द्वारा ज्ञापन सौंपा है। योगेश चौधरी, जिलाध्यक्ष अजाक्स जिला जबलपुर। जबलपुर में आज आदिवासियों की हत्या के विरोध में गोडवाना चौक में ज्ञापन सौंपा गया। गोडवाना चौक रेलवे स्टेशन के सामने गड़ा गोडवाना संरक्षण संघ जबलपुर, आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन अजाक्स एवं अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा सिवनी जिले के सिमरिया गांव में रात 2 बजे आदिवासी समाज के 3 लोगों पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया। इसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 1 लोग गंभीर रूप से हॉस्पिटल में भर्ती है। इसका जोरदार सभी ने विरोध किया। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय एवं पुलिस महानिदेशक के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया और सभी समिति एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को बंद करें एवं जो लोग ऐसे कृत्य करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए की मांग की गई। जबलपुर से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। गढ़ा गुणवाना संरक्षण संघ जबलपुर के तत्वाधान में आज महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, महामहिम राज्यपाल मध्यप्रदेश शासन और पुलिस महानिदेशक के नाम पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस ज्ञापन में सिवनी जिले के आदिवासियों को जो 2 तारीख की रात में बजरंग दल के लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी है, जिसके विरोध में हमने मांग पर पत्र दाखिल कर ये बोला है कि जिन लोगों ने हत्या की है उन लोगों को फांसी की सजा दी जाए और साथ ही बजरंग दल को बेन लगाई जाए, क्योंकि जिस तरह से आदिवासियों ने संघर्ष करके भारत की भूमि पर आर्यों से लड़ा है, मुगलों से लड़ा है और देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से भी लड़ा है, तो हमें इनसे डर नहीं है लड़ने के लिए। लेकिन प्रजातंत्र में इस तरह की यह घटना पूरे देश के आदिवासियों को दुखी करती है। इसी तारतम्य में हमने आज ये ज्ञापन देकर भारत सरकार को बताया है कि तत्काल जिन अपराधियों ने ऐसा कृत्य किया है उन्हें जो है फांसी दी जाए और बजर दंगल बेन लगाए जाए। सुनीलाल भलावी, गढ़ा गुणवाना संरक्षण संघ जबलपुर। नंबर 1 पर है श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली, नंबर 2 श्रीमान महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश भोपाल, और नंबर 3 पर है माननीय पुलिस महानिदेशक डीजीपी महोदय पुलिस। हम व्यक्त नहीं कर रहे हैं, रोष हम व्यक्त नहीं कर रहे हैं, क्यों कि जो हम लोगों पर जो हुआ वो भारत के आज़ादी के बाद में इतनी बड़ी घटना।